कुशल यादव की फिल्म संघर्ष ने पवन सिंह के रातों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, अगर आप आंकड़ों पर देखें तो खेसारी लाल यादव की अब तक की सबसे साफ सुथरी और अब तक की सबसे बम्पर ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है संघर्ष। संघर्ष इन दिनों खूब सिनेमा घरों में चल रही है, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्सों की भी शोभा बढ़ा रही है। और संघर्ष के प्रमोशन में भी खेसारी लाल ऐसे जुटे हुए हैं मानो इस फिल्म को वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर लोगों तक सोशल मैसेज पहुंचाना चाहते हूं, और ये मैसेज सही भी है। लेकिन अगर संघर्ष बॉक्स ऑफिस पर माँ तुझे सलाम का रिकॉर्ड तोड़ देती है तो ये पवन सिंह के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि माँ तुझे सलाम अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन संघर्ष का रिस्पांस भी कुछ कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि संघर्ष देखने के लिए पब्लिक कितनी जुट रही है, और साथ ही साथ इसे देखने वालों में औरतों की भी संख्या कम नहीं है, यानी कि महिलाएं भी इस फिल्म में अच्छा खासा इंटरेस्ट जगा रही हैं। वैसे सिनेमा में ये कोई बात नई नहीं है कि किसी भी फिल्म को कोई दूसरी फिल्म मात दे, लेकिन जब दो बड़े स्टार की फिल्में एक दूसरे को क्लैश करती हैं बिजनेस के मामले में तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। और जब पवन और खेसारी की, जो कि कभी एक जमाने में बहुत ही बड़े राइवल रहे हैं, उनकी फिल्में एक दूसरे को क्लैश करती हैं या एक दूसरे से अच्छा बिजनेस करती हैं तो बात और भी गंभीर हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि माँ तुझे सलाम जहाँ एक पैट्रियोटिक फिल्म है, तो वहीं संघर्ष एक सोशल मैसेज देती हुई फिल्म है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इसे हर दर्शक वर्ग बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट कर रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।